हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी विग्नर्स की। आज है 25 फरवरी एंड 2020 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पढ़े की तरह रहेंगे, मोटिवेशन कोड रहेगा, वन लाइन न्यूज़ रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी, एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहेंगे। एक स्टेट रहेगा जो कि कल हमने डिस्कस किया था, बिहार को, स्टैटिक जीके बिहार से संबंधित रहेगा। ओके, स्पेशल नॉलेज रहेगी जिसमें हम सार्क को डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, पूरा वॉच करना है। ओके, तो मोटिवेशन कोट है आपका, असफलता हमें सफलता के नए रास्तों की तरफ ले जाती है। कभी कभी क्या होता है कि हम मेहनत तो खूब करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, पर फिर भी है ना, हम सक्सेस नहीं हो पा रहे होते हैं। कभी भी हमारा एग्ज़ाम किसी ना किसी कारणवश क्लियर नहीं हो रहा होता है तो हम बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर ऐसा नहीं है। जब आपको ये लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आपके सामने कई रास्ते आएंगे जो बहुत ही अच्छे होंगे और बेस्ट होंगे। आप उन पर वर्क कीजिए, बाकी में आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके बुनियाद पर मैं आपको बता रही हूँ। मैं भी बहुत डिसअपॉइंट हो जाती थी, पर है ना, फिर आप चलते जाइए ना तो आपको रास्ते खुद से खुद मिलते जाएंगे और आप सफल इंसान बन जाएंगे। ओके, तो इसी के साथ देखते हैं वन लाइनर न्यूज़ क्या है। अर्थव्यवस्था से पहली न्यूज़ रहेगी, दुनिया की पहली ब्लॉकचेन चॉकलेट बार जो इक्वाडोर में निर्मित है और यूएनडीपी, फेयर चैन फाउंडेशन और अल्टरनेटिव फाइनेंस लैब द्वारा संचालित है, तो वो है द अदर वार। ओके, इसका नेम है दुनिया की जो पहली ब्लॉकचेन चॉकलेट बारे, इसका नाम है द अदर वार। नेक्स्ट न्यूज़ जो रहेगी इंटरनेशनल न्यूज़ रहेगी, वह फोरम कौन सा है जो 25 फरवरी 2020 को यूएस इंडिया टेक्स्ट फोरम प्रस्तुत करेगा, तो वो फोरम है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया जो विशेष रूप से अफगान पारागमन कार्गो का परिवहन करेगी, तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल होती है इस्लामाबाद और वहाँ की जो करेंसी है वो है रुपया। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है इमरान खान। ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं अपने उलूजुलूल बयानों को लेकर, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण सड़कों पर दुर्घटनाएं कम करने के लिए एक उच्च तकनीक निगरानी प्रणाली बनाने के उद्देश्य से किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ काम करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो जो बर्मिंघम विश्वविद्यालय है वहाँ पर उन्होंने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश कौन सा है जो सीरिया के इदलिव के अंतिम विद्रोही एनक्लेव में स्थिति पर चर्चा करने के लिए 5 मार्च 2020 को रूस, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा, तो वो देश है तुर्की। अब तुर्की की बात हुई तो इसे टर्की भी कहते हैं, टर्की कहते हैं, तो टर्की की जो करेंसी होती है वो होती है अंकारा और वहाँ की कैपिटल जो होती है वो होती है अंकारा, वहाँ की करेंसी जो होती है वो होती है लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग द्वारा 24 फरवरी को किस शहर में अनसेंबल मेथड्स इन मॉडलिंग एंड डेटा असिमिलेशन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया था, तो ये नोएडा में किया गया था, भारत के अंदर। अब नोएडा से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, नोएडा ये लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म क्या है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या कितनी है, तो 8,46,00,000 से अधिक जो किसान हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले हैं, तो ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 फरवरी 2020 को किस शहर में द्वितीय कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो हैदराबाद में जो तेलंगाना की कैपिटल है वहाँ पर ये जो कृषि प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पर सम्मेलन हुआ है 22 फरवरी को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकरू नदी के ऊपर भारत का सबसे लंबा रेलवे घाट पुल कौन से राज्य में है जो 100 मीटर लंबा होगा, तो ये मणिपुर में राज्य में है और मणिपुर के तामेंगलांग जिला में ये सबसे ऊपर सबसे लंबा पुल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SERV महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है, तो वो है डॉक्टर नीति कुमार और ये CSIR CDRI में लखनऊ में
ये अपॉइंटेड है। लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020 जो कि मुंबई में आयोजित हुआ, वह कौन बनी है? तो वो बनी है एडलाइन कैस्टेलेनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई में खेले गए NTTASTC ट्रायथलॉन एशियन कप 2020 के विजेता कौन कौन है? तो सर्बिया के ओग्जेन स्टोजा नोविक पुरुष वर्ग में और चिली की बारबरा रिवेरोस महिला वर्ग में ये इन्होंने पुरस्कार जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किन दो शहरों में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो शिमला में किए गए हैं जो कि 1.75 मेगावाट के, और मनाली में 1 मेगावाट का जो है अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य कौन सा है जो भांग के पौधे से दवा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य होगा? इसके लिए CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन और इंड स्कैन कंपनी कनाडा के बीच समझौता किए गए हैं, तो वो है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर से तो बहुत सारी न्यूज़ बन जाती हैं और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर की जो ये पूछ लिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, तो वो है गिरीश चंद मुर्मू। जम्मू कश्मीर कब केंद्र शासित बना? तो 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री क्वेश्चन नहीं है, जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई है उनसे सम्मान ज्ञान की बातें हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान प्रभावी कब आया था? मतलब कि जो किसान सम्मान निधि है वो कब प्रभाव में आया या कब इसका प्रारंभ हुआ? तो 1 दिसंबर 2018 से उसे प्रारंभ किया गया और औपचारिक रूप से उसे 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन किस वर्ष से भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित अवसंरचना प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है? तो 2016 21 फरवरी से इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडल गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1944 में, मुख्यालय नई दिल्ली में मिलेगा। ओके, केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीवम शुल्क मंडल की स्थापना कब की गई? तो 26 जनवरी 1944 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मंडल एवं उद्योग महासंघ की स्थापना मतलब कि फिक्की की स्थापना कब की गई? तो 1927 में की गई, मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा। ओके, अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी के पास 4000 साल पुराने शिल्प गांव का पता चला है। तो जो वाराणसी है जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, एक काशी एक रूप अनेक, ये अभी प्रोग्राम भी वहाँ पर हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो वाराणसी के पास 4000 साल पुराने शिल्प गांव का पता चला है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम ने 4000 साल पुरानी शहरी बस्ती का खुलासा किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित शिल्प गांव में से एक हो सकता है। विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास संस्कृति और पुरातत्व विभाग, जिसने वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर भवनिवाव गांव के में साइट का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया और उन्होंने कहा कि इसमें पवित्र शहर के बारे में प्राचीन साहित्य में वर्णित बस्तियों में से एक अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 4000 साल पुराने शिल्प गांव का कौन से शहर से पता चला है उत्तर प्रदेश के? तो वाराणसी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट आस्क दिशा लॉन्च किया है। तो जो भारतीय रेलवे है उन्होंने क्या किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट आस्क दिशा लॉन्च कर दिया। अब इसमें क्या होगा, भारतीय रेलवे ने उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए अक्टूबर 2018 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आस्क दिशा नामक एक चैटबॉट की सुविधा शुरू की थी। प्रारंभ में आस्क दिशा चैटबॉट अंग्रेजी भाषा में लॉन्च किया था, ठीक है, लेकिन चैटबॉट की सेवाओं को आगे बढ़ाने और मजबूत बनाने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम ने ग्राहकों के साथ हिंदी भाषा में बातचीत करने और ई टिकटिंग वेबसाइट का उपयोग आसानी तरीके से करने के लिए आस्क दिशा का उन्नयन किया है। ग्राहक अब हिंदी भाषा में आस्क दिशा को आवाज़ के साथ साथ पाठ से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, पहले से इंग्लिश में स्टार्ट किया गया था पर थोड़ी ग्राहकों के लिए आसान हो जाए सब कुछ, तो उन्होंने हिंदी में इसे लॉन्च कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेलवे मिनिस्टर अगर पूछे जाएंगे तो पीयूष गोयल जी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंगी की एक नई प्रजाति क्रास्पेडोट्रोपिस क्रेटा थनबर्ग, ये हमने कल वन लाइन में फॉर्म भी की थी न्यूज़, तो आप इसके बारे में डिटेल देख लीजिए। नागरिक वैज्ञानिकों का एक समूह था जो टैक्सोस अभियानों में वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कार्य कर रहे थे। तो आमतौर पर टैक्सोनॉमिक वैज्ञानिकों की फील्ड ट्रिप आयोजित करता है अज्ञात प्रजातियों की खोज के लिए, जो लोगों को तैयार करता है। उन्होंने घोंगा की एक नई प्रजाति की पहचान की। उन्होंने स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के सम्मान में इसे क्रास्पेडोट्रोपिस क्रेटा थनबर्ग नाम दे दिया है। ठीक है, प्रजातियों की जैव विविधता डेटा जर्नल में वर्णित किया गया। अब इसमें इतनी सारी बातें हैं तो ये तो सब एज ए नॉलेज पॉइंट से आपको याद रखनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घोंगे की नई प्रजाति का नाम इसमें से क्या है? ठीक है, तो क्रास्पेडोट्रोपिस क्रेटा थनबर्ग। ऐसी कौन सी एक बालिका है जिनके नाम पर एक घोंगे का नाम दिया गया है? तो वो हैं ग्रेटा थनबर्ग। ओके, ये स्वीडिश हैं, मतलब स्वीडन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का वर्ष पूरा होगा। 24 फरवरी 2020 को एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली वर्षगांठ थी। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 6000 रुपये की राशि को किसानों के बैंक के खाते में सीधे 2000 रुपये की 3-4 मासिक किस्तों में स्थानांतरित किया जाता है। उच्च आय की स्थिति से संबंधित कुछ बहिष्करण के मापदंड भी हैं। 20 फरवरी 2020 तक राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा पीएम किसान वेब पोर्टल पर अपलोड किए गए लाभार्थियों के आंकड़ों के आधार पर 8.46 करोड़ किसान परिवारों को लाभ दिया गया है। अब तक की ये मुझे इनकी सबसे अच्छी योजना लगी थी। इसमें वाकई में सभी को लाभ मिला था, सभी को 2000 रुपए मिले हुए थे। तो इसको एक वर्ष हो गया, 24 फरवरी 2019 से ये औपचारिक रूप से संज्ञान में आया था। ठीक है, तो अब इसको एक वर्ष हो गए, तो इन्होंने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है। तो 8.46 करोड़ जो किसान परिवार, उन्हें लाभ दिया जा चुका है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, 6000 रुपये दिए जाते हैं। ये बल्क में नहीं दिए जाते, इन्हें टुकड़ों टुकड़ों में तीन से चार महीने में 2000 करके दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र थाई मांगुर मंछली के खेती केंद्रों पर प्रतिबंध लगाता है। महाराष्ट्र सरकार ने थाई मांगुर मछली के खेती केंद्रों को नष्ट करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। थाई मांगुर की खेती वास्तव में अत्यधिक अस्वच्छ परिस्थितियों में की जाती है, जिसके सेवन से लोग बीमार पड़ सकते हैं। अब महाराष्ट्र में जो थाई मांगुर मछली की खेती है, उस पर महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है। उनका कारण ये है कि ये बहुत अस्वच्छ, मतलब बहुत गंदे तरीके से उसको उत्पन्न किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसे खाने के बाद वो मछली इन्फेक्टेड होती है। तो उसे खाते हैं जो भी लोग, तो वो भी बीमार पड़ने लगते हैं, इसलिए उस पर रोक लगा दी गई। अब महाराष्ट्र की बात हो रही है तो इसकी स्टैटिक पोर्शन थोड़ा देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है, सभी को पता होगी, वो है मुंबई। ओके, अगर CM पूछे जाएंगे तो आप तुरंत बता देंगे, जो CM है वो है उद्धव ठाकरे जी। ओके, तो अब उद्धव ठाकरे जी तो यहाँ के CM है। ओके, तो अब इन्होंने अभी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि जो हमारी प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, वो सभी बच्चों के द्वारा बोली जाएगी। ओके, तो अब एक क्वेश्चन और बनता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बराबर, कि जो पेंच नेशनल पार्क है ना, तो वो मध्य प्रदेश में उसका 90% भाग है, 10% जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। ओके, और भी महाराष्ट्र का जो नृत्य होता है वो होता है लावणी, तो ये भी आपको याद रखना है ना। तो इस ऐसे करके काफ़ी चीज़ें हैं महाराष्ट्र में। एलिफेंटा केव्स हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र के अंदर आपको मिलती हैं। ओके, एंड बहुत सारी चीज़ें, गोडाजारी जो नेशनल पार्क है वो वहाँ पे मिलेगा आपको, और एटॉमिक पावर, अरे मेरे ध्यान में नहीं आ रही है काफ़ी, तो बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन है, जस्ट वेट। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। ओके, और अगर पूछ लिया जाए कभी कि वहाँ पर उत्सव कौन कौन से होते हैं, तो शिवाजी उत्सव होता है, गणेश चतुर्थी तो बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर मनाई जाती है। ये क्वेश्चन और बन जाता है कि कभी कभी कि जो वहाँ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको कौन सा है जो सबसे बड़ा है, तो वो है सांता क्रूज हवाई अड्डा, जो कि मुंबई में ही है। ठीक है, और मुंबई को 7 टापुओं का शहर या नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने मणिपुर में भारत के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण किया है। जो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है उन्होंने क्या किया है कि मणिपुर में सबसे लंबे पुल का निर्माण किया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने निर्माण संगठन के भारत के सबसे लंबे रेलवे घाट के पुल को बनाया है और जो इसकी लंबाई जो है 100 मीटर की है, ठीक है, 33 मंजिला इमारत के बराबर है ये, ठीक है। मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में मकरू नदी पर बना, तो ये आपको याद रखना कौन सी नदी पर बनाया गया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के संगठन ने सबसे लंबा पुल घाट जो बनाया है कौन से रेलवे पर बनाया है, तो कौन सी राज्य में बनाया है, तो मणिपुर में बनाया है। मणिपुर के कौन से जिले में बनाया है, तो तामेंगलोंग जिले में बनाया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो बनाया गया है मकरू नदी पर। ओके, ये 555 मीटर की अवधि के साथ 283.5 करोड़ रुपए का पुल, 111 किलोमीटर के जिरी बाम तो पुल इम्फाल नई ब्रांड गेज लाइन का हिस्सा है, ठीक है। ये जो है जिरी बाम तो पुल इम्फाल नई ब्रांड गेज लाइन का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई सेना मुख्यालय भवन की नींव का पत्थर। 21 फरवरी 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली मुख्यालय में सेना मुख्यालय की नई इमारत की आधारशिला रखी है, जिसे थल सेना भवन के रूप में अवधारणाबद्ध किया गया है, जो उगते सूर्य की तरह एक बहुमंजिला परिसर है। यह लगभग 39 एकड़ में फैला होगा। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजनाथ सिंह जी हमारे कौन है, रक्षा मंत्री जी है। इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। डेफ एक्सपो 2020 कहां पर हुआ, लखनऊ के अंदर में हुआ, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि जो थल सेना भवन है उसकी आधारशिला रख दी है, जो एक सेना जो सेना मुख्यालय की नई इमारत है। ओके, अब बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। जयपुर शहर के संस्थापक कौन है, तो सवाई जय सिंह जो है जयपुर शहर के संस्थापक है। आनंद वन की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी, तो बाबा ओमटे ने। सीमांत गांधी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है, तो वो है थियोफ्रेस्टस। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, तो वो थे चित्तरंजन दास। अफगानिस्तान की जो संसद है उसे क्या कहा जाता है, शोरा कहा जाता है। कल हमने पूछा था मजलिस किसकी संसद को कहा जाता है, तो ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। महाप्रयाग घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। राजघाट अगर पूछा जाएगा तो महात्मा गांधी जी के। पंजिम शहर किस शहर का प्राचीन नाम है, तो पणजी का, जो कि गोवा की कैपिटल है। बेलूर मठ का निर्माण किस वर्ष किया गया था, 1899 में। ओडिशा की स्थापना किस दिन मनाई जाती है, तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस और ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट जो रहेगा स्टेट रहेगा, जिसमें बिहार डिस्कस करेंगे कल की तरह, क्योंकि हम जो भी स्टेट डिस्कस करते हैं 2 डेज वही डिस्कस करते हैं। तो स्टेट रहेगा बिहार, राजधानी रहेगी पटना, सबसे बड़ा शहर रहेगा पटना। गलत, तो यहाँ का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1106 व्यक्ति रहते हैं पर वर्ग किलोमीटर में। जिले यहाँ पर 38 हैं। राजभाषा यहाँ की हिंदी और उर्दू है, जैसी उत्तर प्रदेश की है। उसी प्रकार गठन इसका 26 जनवरी 1950 को हुआ। राज्यपाल फागू चौहान है, नवनियुक्त है, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी हैं। विधानमंडल यहाँ की द्विसदनीय है। विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 75 हैं। विधानसभा की 243 सीटें हैं, और राज्यसभा से 16 सीटें आती हैं, लोकसभा से 40 सीटें यहाँ पर आ जाती हैं। बिहार में जो जिस जिसकी सीमा टच होती है वो है, बिहार के उत्तर में तो नेपाल है, जो कि एक देश है। नेपाल की कैपिटल होती है काठमांडू, और वहाँ की करेंसी रुपया होती है। विद्या देवी भंडारी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये आपको याद रखना है। खड़गा प्रसाद ओली वहाँ पर राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और बिहार नेपाल के साथ भारत की एक सैन्य अभ्यास होता है जिसे कहते हैं सूर्य किरण, तो ये भी आपको याद रखना है। नेपाल के काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है। सार्क का हेडक्वार्टर तो काठमांडू में है, पर इसकी जो गठन हुआ था वो हुआ था ढाका बांग्लादेश में। ओके, तो दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश इसके स्थित है। बिहार का जो नाम हुआ वो बौद्ध सन्यासियों के ठहरने से बिहार शब्द से हुआ था, फिर अपभ्रंश के कारण इसे बिहार रूप से जाना जाने लगा।
बिहार के वन्य जीव अभयारण्य अब तो आपको याद हो गए होंगे, भीमबंध वन्य जीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध पक्षी विहार, कंबर झील वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, नागी बांध वन्य जीव अभयारण्य, नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य, पंत वन्य जीव अभयारण्य, उदय पूर्व वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य, वरेला झील, सालिम अली पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, बिहार के प्रमुख बांध अगर पूछ लिए जाएंगे तो अजन नदी है, अजन बांध अजन नदी पर है, बदुआ बांध बदुआ नदी पर, बरनार बांध जमुई नदी पर, भास्कुंड बांध भास्कुंड नदी पर, बिलासी बांध बिलासी नदी पर, चंदन बांध चंदन नदी पर, दुर्गावती बांध जो है दुर्गावती नदी पर है। ठीक है, अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की, जिसमें हम सार्क को डिस्कस करेंगे कल की तरह। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दच्छे से हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सार्क, साउथ संक्षिप्त रूप में या शॉर्ट फॉर्म में, इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। काठमांडू यहाँ का मुख्यालय है। राजभाषा अगर पूछी जाएगी इसकी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। महासचिव अमजद वी हुसैन है। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब होती है। अगर देखा जाए तो किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को 8वां सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके और जीएस के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, आप हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी फॉलो करें। आप अगर शेयर चैट और डेली मोशन यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट खबरी ऐप पर फॉलो भी करना है और वहाँ पर ऑडियो क्लिप सुननी भी है, जिससे आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से होता रहे। तो वहाँ पर तो आपको करनी है, फॉलो भी करना है और रिवीजन भी करना है, ऑडियो क्लिप सुननी है। ओके, एंड आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो क्लास का जो भी पीडीएफ होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे मेंशन कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पहली बार देख रहे हो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ओके, एंड खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, अपने सपनों का ख्याल रखिए, सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मन में जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आप सब ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ओके।